द स्पीड ऑफ स्पीड इक्वल इक्वल जीरो, स्पीड इज स्लो एल्स स्पीड इज फास्ट। ये एक कोडिंग इम्प्लीमेंट की है इसकी, जो कि फास्ट और स्लो को डिटरमिन कर रही है कि स्पीड आपकी क्या है। दो लेवल्स हैं आपके पास। फजी लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, फॉर एवरी प्रॉब्लम मस्ट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फजी सेट्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास फजी सेट बन जाएंगे। फजी सेट में क्या होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स आ जाएंगे, और वो जो लेवल्स आएंगे वो हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। अब लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या होता है, जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज की जबान होती है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ फजी सेट। फजी सेट इज़ डिफाइंड इन अ पेयर ऑफ सम क्लोज्ड इंटरवल 0, 1, यानी इसके इन बिटवीन भी वैल्यूज़ हैं, ये डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। इट ऑल्सो स्प्लिट्स इंटू सम सब इंटरवल्स कॉल्ड फजी सबसेट्स। अच्छा, जैसे ये देखें, स्लोवेस्ट यानी 0.0 से 0.25 तक अगर आपकी स्पीड है, तो आपने उसको स्लोवेस्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसको मेंबरशिप फंक्शन भी हम कहेंगे, आगे हम देखते हैं। और अगर आपकी स्पीड स्लो है, यानी 0.25 से 0.5 तक है, तो उसको हम स्लो कहेंगे। अगर आपकी स्पीड 0.5 से 0.75 है, तो फास्ट कहेंगे। और 0.75 से 1 है, तो फास्ट टेस्ट। यानी 0 और 1, ये दो लेवल हैं। अब 0 मीन्स 0 RPM या 0 mph, और 1 मीन्स 70 mph, ठीक है। तो उसका 75% से 1% तक जो है उसको हम फास्टेस्ट कहेंगे। तो इस तरह से हमने इंटरवल्स डिफाइन कर दिए हुए। इसकी कोडिंग क्या है, फ्लोट स्पीड, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया ना ये आप आपका। गेट द स्पीड इफ स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्पीड लेस देन 0.25, स्पीड इज स्लोएस्ट। इस तरीके से आगे सारी इसकी कोडिंग परफॉर्म की हुई है। वेर इज़ फजी लॉजिक यूज, फजी लॉजिक इज यूज, ये कहाँ इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज डायरेक्टली इन वेरी फ्यू एप्लीकेशन। मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक आर यूज इट एज दी अंडरलाइंग लॉजिक सिस्टम फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सपोर्ट सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर जो है ये यूज़ होती है। एरोस्पेस के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। आल्टीट्यूड कंट्रोल ऑफ स्पेस क्राफ्ट, सेटेलाइट आल्टीट्यूड कंट्रोल, इनफैक्ट जितने भी एडवांस कंट्रोलर बन रहे हैं उनमें फजी इन्वॉल्व है। अभी हम देखेंगे फजी लॉजिक, फिर हम देखेंगे ANN, और फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, जिसे न्यूरो फजी लॉजिक बोलते हैं। तो आजकल जो ज़्यादा रिसर्च हो रही है वो न्यूरो फजी के ऊपर जो है, उस कंट्रोलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि उसके अंदर दोनों के बेनिफिट्स हैं। यानी वो हाइब्रिड कंट्रोल है, फ्लो एंड मिक्सचर रेगुलेशन इन एयरक्राफ्ट डिसीजन व्हीकल्स। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या आती है, ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव से क्या मुराद है, ये आपकी जो कार्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ट्रेनेबल फजी सिस्टम्स फॉर आइडल स्पीड कंट्रोल, शिफ्ट शेड्यूलिंग मेथड फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इंटेलिजेंट हाईवे सिस्टम्स, ट्रैफिक कंट्रोल, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। यानी ऑटोमोटिव्स में ये यूज़ होगी। अच्छा, और कहाँ होती है ये, बिजनेस में इस्तेमाल होती है, वही डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम्स, पर्सनल एवेल्यूशन इन अ लार्ज कंपनी। अच्छा, केमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होती है, पीएच कंट्रोल के लिए, ड्राइंग के लिए, केमिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए, पॉलीमर एक्सट्रूजन प्रोडक्शन, अकोक ओवन, गैस कूलिंग प्लांट, ठीक है। मतलब केमिकल इंडस्ट्री में ही काफ़ी इस्तेमाल होती है। फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर, बैंक नोट, ट्रांसफ़र कंट्रोल, फंड मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट प्रडिक्शंस, तो इसमें भी आप जो है ये इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के अंदर ये बहुत इस्तेमाल होती है, कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर इन वीडियो कैमरास, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में काफ़ी जो है ना, ये जापान के अंदर इसको यूज़ किया गया है काफ़ी। माइक्रोवेव ओवंस, वैक्यूम क्लीनर्स। अच्छा, फिर आगे इंडस्ट्रीज हैं, हीट एक्सचेंजर कंट्रोल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कंट्रोल, क्वान्टिटेटिव पैटर्न एनालिसिस फॉर इंडस्ट्रियल क्वालिटी एश्योरेंस, कंट्रोल ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ चीज़ प्रोडक्शन। फिर मेडिकल एप्लीकेशन है, मेडिकल डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम है, कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, मल्टीवेरिएबल कंट्रोल ऑफ एनेस्थीसिया, मॉडलिंग ऑफ न्यूरोपाथ। आजकल इस पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल कंट्रोल पे काफ़ी काम हो रहा है, मेडिकल रोबोटिक्स पे काफ़ी काम हो रहा है। इवन डिजीज़ को मैथमेटिकली मॉडल किया गया है, कि जो डिजीज़ है उसको मैथमेटिकली मॉडल करके, उसकी इक्वेशंस बना के उस पर कंट्रोल लगा रहे हैं। मतलब दिस इज़ ऑल्सो बींग डन। अच्छा, आगे माइनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग है, सेंटर प्लांट कंट्रोल है, आगे डिसीजन मेकिंग इन मेटल फॉर्मिंग है, रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। फजी कंट्रोल फॉर फ्लेक्सिबल लिंक मैनिपुलेटर्स, लिंक मैनिपुलेटर, फ्लेक्सिबल लिंक मैनिपुलेटर्स, रोबोट आर्म कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन स्केजुअल कंट्रोल, रेलवे एक्सेलरेशन ब्रेकिंग। अच्छा,
तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। अब हम फजी लॉजिक पर दोबारा वापस आते हैं कि फजी लॉजिक क्या है। फ्लेक्सिबल मशीन लर्निंग टेक्निक, यानी ये मशीन लर्निंग की आप इसको टेक्निक भी कह सकते हैं, मशीन लर्निंग अप्रोच में ये शुमार होगी। ठीक है, मिमिकिंग दी लॉजिक ऑफ ह्यूमन थॉट। ठीक है, जैसे इंसान सोचते हैं, ठीक है ना, 0 1 के दरमियान भी हम सोचते हैं, हम दो एक्सट्रीम्स में नहीं सोचते हैं, मतलब उसके बीच में भी सोचते हैं। लॉजिक में हैव टू वैल्यूज एंड रिप्रेजेंट टू पॉसिबल सोल्यूशन। फजी लॉजिक इज अ मल्टी वैल्यूड लॉजिक, मल्टी वैल्यूड लॉजिक एंड अलाउज इंटरमीडिएट वैल्यूज टू बी डिफाइंड, प्रोवाइड्स एन इन्फेरेंस मैकेनिज्म विच कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। फजी सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर अनसर्टन और अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? एग्जैक्ट रीजनिंग इज व्यूड एज अ लिमिटिंग केस ऑफ अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, यानी अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट रीजनिंग की ऑप्शन है तो आप उसका लिमिटिंग केस यानी उसका फाइनल केस, यानी अप्रोक्सीमेट रीजनिंग से आप एग्जैक्ट रीजनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको आप लिमिट करके, ठीक है, लिमिटेशंस लगा के। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ डिग्री, नॉलेज इज इंटरप्रेटेड एज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिक एंड इक्विवेलेंटली फजी कंस्ट्रेंट्स ऑन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। इनफेरेंस इज व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोपिगेटिंग इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। एनी लॉजिक सिस्टम कैन बी फजीफाइड, फजी कंट्रोल सिस्टम। अ फजी कंट्रोल सिस्टम इज बेस्ड ऑन फजी लॉजिक। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग फजी कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस टास्क। आप अपनी इनपुट्स को देखें, अपनी आउटपुट्स को देखें और प्रोसेस के टास्क को देखें। आइडेंटिफाई लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स यूज्ड एंड डिफाइन फजी सेट एंड मेंबरशिप्स अकॉर्डिंगली। ये हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, उससे ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। स्टेप 3, यानी पहले क्या होगा कि इनपुट आउटपुट्स एक क्रिस्प सेट होता है जो आगे आएगा। क्रिस्प सेट से मुराद है बाइनरी, बाइनरी यानी बाइनरी वैल्यू आपको होगी, उससे आपने पहले फजीफिकेशन करनी है, फजी सेट बनाने हैं आपने, और फिर आगे मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करने हैं। फिर उसके बाद आपने उसका कंट्रोल, यानी उसको कंट्रोलर को देना है जिसमें इफ एल्स कंडीशंस लगी होंगी, और एक इन्फ्रेंस जनरेट हो जाएगा, यानी उन कंडीशंस के बेसिस पे वो अपना एक आउटपुट निकालेगा। फिर वो जो आउटपुट निकलेगी उसको अब आपने क्या करना है, डीफजीफाई करना है। यानी पहले आपने क्या किया कि क्रिस्प सेट से फजीफिकेशन की, फिर डिसीजन मेकिंग पे गया, उसके बाद फिर डीफजीफिकेशन हुई, ठीक है, डीफजीफिकेशन फिर होगी। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है इसका, फजी कंट्रोल सिस्टम का। यूज दीज फजी सेट्स एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स टू फॉर्म प्रोसीजरल रूल्स, डिटरमिन द डी फजीफिकेशन मैथड, टेस्ट द सिस्टम एंड मॉडिफाई इफ नेसेसरी। ये फीडबैक बेस्ड करेक्शन, इसको हम आगे हम देखेंगे, बैक प्रोपेगेशन भी कहते हैं इसको। अच्छा, आगे देखते हैं। मॉडलिंग दी फजी सिस्टम्स, फजी सिस्टम मॉडलिंग कैन बी परसूड यूजिंग दी फॉलोइंग स्टेप। चूज दी रिलेटिव इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, डिटरमिन द नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स एसोसिएटेड विद ईच इनपुट आउटपुट, सेलेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फजी सिस्टम, डिजाइन अ कलेक्शन ऑफ फजी इफ एंड इफ देन, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। अभी हमने एक एग्जाम्पल भी की थी स्लो फास्ट वाली। ठीक है, टू फॉर्मुलेट द इनिशियल रूल बेस, द इनपुट स्पेस इज डिवाइडेड इन टू मल्टी डायमेंशनल पार्टीशन एंड देन एक्शन आर असाइन टू ईच ऑफ दीज पार्टीशन। ये हम एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। फजी सेट, लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। अ फजी सेट ए इन एक्स इज करेक्टराइज बाई इट्स मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप फंक्शन। तो अब इसमें वेयर म्यू इज द डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ द एलिमेंट इन फजी सेट ए फॉर ईच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्रिस्प लॉजिक है, क्रिस्प लॉजिक से क्रिस्प सेट बना, क्रिस्प सेट से फिर आपका फजी सेट बना, और फजी सेट से गया वो फजी लॉजिक हो, यानी ये फजीफिकेशन हो रही है आपकी, मेंबरशिप फंक्शन। मैप्स एलिमेंट्स ऑफ अ फजी सेट टू आर रियल नंबर्ड वैल्यूज इन द इंटरवल 0 to 1। तो मैप्स जो मेंबरशिप फंक्शन क्या करेगा कि मेंबरशिप उसकी मैपिंग कराएगा उसके इंटरवल में जो 0 से 1 तक आपने डिफाइन किया होगा, यानी एक्स एक्सेस पे रेंज होगी और वाई एक्सेस पे 0 से 1 के दरमियान जो है एक वैल्यू आएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक्स एक्सेस पे रेंज होगी, वाई एक्सेस पे 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ किया गया। अभी हम एग्जाम्पल में भी देखते हैं। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द मैथमेटिकल फंक्शन इज अ मेंबरशिप फंक्शन दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ बिलोंगिंग मेंबर एक्स टू द फजी सेट। फजीफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब कौन सी, बाइनरी जो बाई वैल्यूड इनपुट वैल्यूज इन टू लिंग्विस्टिक वैल्यूज। लिंग्विस्टिक वैल्यूज क्या है, आपकी फजी वैल्यू जो फजी सेट है, इट इज कॉल्ड फजीफिकेशन। ठीक है, आगे स्टेप्स ऑफ फजीफिकेशन क्या होगा, इनपुट वैल्यूज आर ट्रांसलेटेड इन टू लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट विच आर रिप्रेजेंटेड बाई फजी सेट। मेंबरशिप फंक्शन आर अप्लाइड टू द मेजरमेंट्स एंड द डिग्री ऑफ मेंबरशिप इज डिटरमाइंड।
डिफसिफिकेशन, डिफसिफिकेशन कन्वर्ट्स द फजी वैल्यूज इनटू क्रिस्प वैल्यू, वो वापस इनवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जैसे आप करते हैं लैपलेस लेते हैं, लैपलेस के बाद आप इनवर्स लैपलेस लेके वापस आ जाते हैं, तो इसी तरीके से आप फजीफिकेशन, फजी लॉजिक को यूज़ करेंगे, आप क्रिस्प से फजीफाई पहले उसको करेंगे फजीफिकेशन, उसके बाद उसकी फिर डीफजीफिकेशन कर डिसीन डिसीन मेकिंग होगी, उसके बाद डीफजीफिकेशन होकर उसको वापस क्रिस्प वैल्यू में आप लेकर आएंगे। अच्छा, दी एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ डीफजीफिकेशन क्या होता है, मैक्स मेंबरशिप मेथड होता है, सेंट्रोइड मेथड होता है, और वेटेड एवरेज मेथड, ये तीन मेथड होते हैं। हम आगे वेटेड एवरेज मेथड की एग्जाम्पल करेंगे। मैक्स मेंबरशिप मेथड, आप मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, दिस मेथड चूजेस द एलिमेंट्स विद मैक्सिमम वैल्यू। सेंट्रोइड मेथड, दिस मेथड फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ टारगेटेड फजी रीजन, यानी सेंटर वैल्यू उसने ले लेनी है बाई कैलकुलेटिंग द वेटेड मीन ऑफ द आउटपुट फजी रीजन, ठीक है, वेटेड मीन वैल्यू। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड क्या होगा, साइंस वेट टू ईच मेंबरशिप फंक्शन इन द आउटपुट बाई इट्स रिस्पेक्टिव मेंबरशिप वैल्यू। ऑपरेशंस क्या होते हैं फजी सेट के अंदर, मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या होगा, मिनिमम, ए और बी में मिनिमम, अगर ए और बी है तो मैक्सिमम, यानी ए और बी में से जो मैक्सिमम है उसको पकड़ लो। जैसे वेन डायग्राम्स हमने पढ़ी हैं, डी मॉर्गन्स लॉ में वेन डायग्राम हम पढ़ते थे, हमने इससे पहले जो क्लासेस थी उनमें पढ़ा था, तो इसमें आप देखें कि इंटरसेक्शन में क्या है कि इंटरसेक्शन में मिनिमम और यूनियन में मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपको फिगर से भी जो है वो जाहिर हो रहा है कि इसमें ये आपका ए एंड वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये आपका क्या है मैक्स यूनियन वाला, यूनियन में आपके दोनों कवर हो जाएंगे। ये देखें, ये है इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट्स, दिस इज योर इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट, एक ये फजी सेट है, एक ये फजी सेट है, इनको इंटरसेक्ट करें तो ये वाला एरिया आपके पास आता है, दिस इज द इंटरसेक्शन। और दूसरे सेक्शन में क्या यूनियन है, ठीक है, इनका यूनियन से मुराद क्या है कि यूनियन में आप मैक्स ए एंड बी करेंगे, ठीक है, और यूनियन में आपके ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट सेट थ्योरी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फजी सेट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसका नॉट गेट जो होता है, यानी उसका उलट, ठीक है, अगर ये ए है तो इसका उलट क्या होगा, यहाँ पे ये जीरो होगा और यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, यानी उसका इन्वर्ट, इन्वर्ट, ठीक है, दैट इज़ योर कम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट। इक्वालिटी ऑफ फजी सेट्स, इफ ए एंड बी आर फजी सेट्स ऑन क्लासिकल सेट एक्स, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल डिनोटेड बाई इक्वल, इफ ए बिलोंग टू बी एंड बी बिलोंग टू ए, यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए और बी तब इक्वल होंगे जब इसके दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो ये मैथमेटिकली इसको लिखने का एक तरीका है। अच्छा, उसके बाद आता है काजी कॉजी फजी मेंबरशिप फंक्शंस, ये क्या है, दी मेंबरशिप फंक्शन अलाउज अ कॉजी कर्व, कॉजी कर्व, कॉजी कर्व इज अ रियल लाइन विद अ नॉर्मल फजी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन ये होता है कि अगर आप इसकी दो वैल्यूज को ज्वाइन करें तो जो आपका रिजल्ट निकलेगा दैट विल बी लेसर देन द फंक्शन वैल्यूज, ठीक है, अगर आप कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें इसकी वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू से कम होगी, इसको कहते हैं कॉन्वेक्सिटी, ठीक है, दैट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। एंड कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप फंक्शन सेटिस्फाइंग द लिमिट कंडीशंस एज बिलो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एफ एक्स इज जीरो एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ए एफ एक्स इज जीरो, यानी इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, इसके इन बिटवीन जो है ये कॉन्वेक्सिटी है, तो ये कौन सा मेंबरशिप फंक्शन है, कॉजी, कॉजी मेंबरशिप फंक्शन। अच्छा, ये मेंबरशिप फंक्शन आप किस तरह से डिफाइन करोगे, ये आप अपने वेरिएबल का बिहेवियर देखोगे कि वो किस तरह का वेरिएबल है, उसके बिहेवियर को देखते हुए आप उसको डिफाइन करोगे। अच्छा, द मेंबरशिप कर्व फॉलोज अब ट्राइंगुलर भी होते हैं, ट्राइंगुलर टाइप के आपके मेंबरशिप फंक्शन है, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर है जो कि इतने टाइम में जो है ज़ीरो होता है, इसके बाद बढ़ता है लीनियरली, फिर उसके बाद जो है लीनियरली डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी आप अपने जो वेरिएबल होगा उसके आप बिहेवियर को देखते हुए मेंबरशिप फंक्शन के सिलेक्शन करेंगे। तो ट्राइंगुलर फजी मेंबरशिप फंक्शंस में क्या होगा, द मेंबरशिप कर्व फॉलोज अ ट्राइंगुलर शेप, देन इट इज ट्राइंगुलर मेंबरशिप फंक्शन, द फजी फंक्शन ए इज कॉल्ड ट्राइंगुलर फजी फंक्शन विद पी लेफ्ट विद विथ एल्फा एंड राइट विथ बीटा, यानी ये विथ आपकी क्या है एल्फा और ये बीटा, यानी ये ए माइनस एल्फा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी ए प्लस बीटा, और वाई एक्सिस पे मैंने आपको क्या बताया जीरो से लेकर वन तक होगा और एक्स एक्सिस पे उसकी रेंज आएगी। अच्छा, आप इसकी इक्वेशन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कि इस लाइन की इक्वेशन आप ड्रॉ कर लें, इस लाइन की इक्वेशन आप टू पॉइंट फॉर्म से ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा जिसमें एक्स क्या होगा ए माइनस एल्फा और वाई जीरो है और यहाँ पे आपका एक्स क्या है ए कॉमा वन, स्लोप उसकी लें, स्लोप लेके टू पॉइंट फॉर्म लगा दें, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन,
या एक और इक्वेशन भी होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट इक्वेशन होती है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन आप बना लेंगे। अब इसमें ये देखें, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बेसिकली वाई है, वाई इज इक्वल टू 1 - a - x ओवर अल्फा। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक रेंज है? a - α से लेके a तक, ठीक है। x जब a - α से a तक होगा, और उसके बाद क्या होगा, 1 - x - a ओवर बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ये भी 2 पॉइंट फॉर्म करके आप लगा सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बीटा कॉमा वाई ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x a, 1, ठीक है। तो उससे आप इक्वेशन निकालें तो ये आपके आ जाएगी। इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, और इसके अलावा फंक्शन क्या है, ज़ीरो। इसके इन इन दो अल्फा और बीटा के आगे पीछे, यानी a - α से पीछे 0 है, और ए प्लस बीटा से आगे भी जो है वो 0 है। तो ये आपका हो गया मेंबरशिप फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है एक और मेंबरशिप फंक्शन होता है टाइप ट्रेपेज़ॉइडल फजी मेंबरशिप फंक्शंस। द मेंबरशिप कर्व फॉलोज अ ट्रेपेज़ॉइडल शेप। फजी फंक्शन ए इज कॉल्ड ट्रेपेज़ॉइडल फजी फंक्शन विद टॉलरेंस इंटरवल लेफ्ट विड्थ अल्फा एंड राइट विड्थ बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा ट्रेपेज़ॉइडल, यानी इसमें क्या होगा कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर बीच में कांस्टेंट हो गया, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस तरह का भी कोई मेंबरशिप फंक्शन हो सकता है। ये डिपेंड करता है, जैसे आपका एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइट पकड़ रहा है, शुरू में उसकी जो हाइट है वो लीनियरली इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है। यानी ये डिपेंड आपके करेगा कि आप किस प्रोसेस पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, उस तरह का मेंबरशिप फंक्शन आपको लेना होगा। अच्छा, लिंग्विस्टिक वेरिएबल। अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर वर्ड्स और सेंटेंसेज इन नेचुरल लैंग्वेज। ये हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल पर डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या, टेम्परेचर इज लिंग्विस्टिक वेरिएबल इफ़ इट टेक्स हॉट, कूल, वार्म, कंफर्टेबल। अब अगर हम कहें कंफर्टेबल, तो इसका क्या मुराद है कि टेम्परेचर इतने से इतने के दरमियान होगा। वार्म कहें तो इतने से इतने के दरमियान टेम्परेचर। कूल है, कूल का मतलब ये है कि इतने से इतने के दरमियान। हॉट, उसको हम क्या कहते हैं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर को हम हॉट कह सकते हैं, इस लिमिट से कम टेम्परेचर को हम कूल कह सकते हैं, इतने से इतने को हम वार्म कह सकते हैं, इतने से इतने को हम कंफर्टेबल कह सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे एग्जाम्पल में। द फ्रेमवर्क ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएबल इज गिवन एज एक्स एल एक्स काई एंड म्यू एक्स, वेयर एक्स डिनोट्स द सिंबल सिम्बॉलिक नेम ऑफ द लिंग्विस्टिक वेरिएबल, एल एक्स इज द सेट ऑफ लिंग्विस्टिक वैल्यूज दैट एक्स कैन टेक, काई इज द फिजिकल डोमेन दैट डिफाइंस द क्रिस्प वैल्यूज, म्यू एक्स इज द फजी फंक्शन दैट मैप्स लिंग्विस्टिक टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स टू द इक्विवेलेंट क्रिस्प वैल्यूज। फजी प्रोपोजिशन। अ फजी प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट ड्राइव्स अ फजी ट्रूथ वैल्यू। फजी कनेक्टिव, कनेक्टिव्स क्या होते हैं? फजी कनेक्टिव्स आर यूज टू ज्वाइन सिंपल फजी प्रोपोजिशंस टू मेक कंपाउंड प्रोपोजिशंस। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं इसके, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजक्शन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये आगे हम देखते हैं फजी रूल्स। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिंपल इफ देन एल्स लॉजिक रूल्स इज इन्हेंस्ड बाय एडिंग लिंग्विस्टिक पैरामीटर। फजी रूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इफ वेरिएबल इज देन इफ, इफ देन एक्शन, इफ दिस देन दिस, एल्स दिस देन दिस। इफ टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड देन स्टॉप द एयर कंडीशनर, इफ टेम्परेचर इज नॉर्मल देन एडजस्ट द एयर कंडीशनर, इफ टेम्परेचर इज हॉट देन स्टार्ट एयर कंडीशनर। देखें, अब आपके पास सिर्फ बाइनरी नहीं है, अब आपके पास फजी में बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं इफ एल्स में, और आपने लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज़ किए हैं, जैसे कोल्ड है, नॉर्मल है, हॉट है। अब हर लिंग्विस्टिक वेरिएबल का मेंबरशिप फंक्शन आपने डिफाइन कर देंगे कि ये कितने से कितने वैल्यू, कितने से कितने टेम्परेचर रेंज में ये 0 से 1 होता है, ये अभी हम देखेंगे। फजी कंट्रोल कम्बाइंस द यूज ऑफ फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स विद फजी लॉजिक। एग्जाम्पल क्या है, स्पीड कंट्रोल। तो अभी हम एक स्पीड कंट्रोल की एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ फास्ट एम आई गोइंग टू ड्राइव टू डे, लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स क्या हैं, टेम्परेचर, जिसमें आपके टेम्परेचर है और क्लाउड है, ठीक है। टेम्परेचर में क्या टेम्परेचर है, फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट, और क्लाउड कवर है के बादल, ओवरकास्ट, पार्टली क्लाउडी और सनी, ठीक है। यानी बादल फुल हैं, पार्टली क्लाउडी हैं या सनी है। और स्पीड के 2 लेवल हैं आपके पास, स्लो, फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन है। फ्रीजिंग जो है, अब 30 फॉरेनहाइट से पीछे ये 1 है, और 30 से लेके 50 तक जो है ना, ये 1 से 0 हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद आता है कूल। कूल आप कहते हैं 30 से शुरू होगा, ठीक है, 50 तक जाएगा, और 50 से 70 तक, ये कूल की रेंज है। यानी हमने ट्रायंगुलर जो है इसमें मेंबरशिप फंक्शन सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर इस तरह का होता है वेरिएबल, ठीक है। हमने उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगुलर सेट किए हैं।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये ओवरलैप भी करते हैं, ऐसा ना हो कि आपके आप 50 तक रखो, 50 के बाद आप फिर अगला शुरू करो, दैट मीन्स यू आर स्टिल श्योर। फजी में हम श्योर नहीं होते, तो इसलिए ये ओवरलैप होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आते हैं बॉम। बॉम के बाद आता है हॉट, के 70 से शुरू होगा और 90 से ऊपर ये सारे का सारा हॉट होगा। ठीक है, एक्स एक्सेस पे क्या आ गया आपकी लिंग्विस्टिक वेरिएबल की रेंज, वाई एक्सेस पे क्या आ गया 0 से 1। दूसरा क्या है, क्लाउडी। क्लाउडी में हम देखते हैं सनी। सनी को हम कहते हैं कि अगर आपका जो परसेंटेज क्लाउड कवर है अगर 0 से 40% है तो वो, यानी 20% से कम है तो वो सनी है, 20 से 40 कुछ ना कुछ तो बादल होंगे, 20% तक बादल को 1 कहेगा, 20 से 40% पे वो 1 से 0 पर आ जाएगा, और इस तरह से 20 से 80 है और 80 से फिर फर्दर आगे ओवरकास्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये है कि हाउ फास्ट आई विल गो इफ़ इट इज़ 65 फॉरनहाइट एंड 25% क्लाउडी, यानी 25% बादल हैं और 65% जो है वो आपका टेम्परेचर है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा 65 फॉरनहाइट हमारा टेम्परेचर है, तो 65 किधर आता है, 65 हमारा यहाँ कहीं आएगा 65। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा जो है वो फॉल करेगा, और 25% क्लाउडी है तो 25% किधर आएगा, तकरीबन हमारा यहाँ कहीं आएगा 25%। ठीक है, अब इफ़ इट्स सनी एंड वार्म देन ड्राइव फास्ट, रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है कि अगर सनी हो, यानी सनी हो और वार्म हो, देन ड्राइव फास्ट। ठीक है, ठीक है, स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी आपकी। अच्छा, इफ़ इट्स क्लाउडी एंड कूल देन ड्राइव स्लो, अगर क्लाउडी है और कूल है तो स्लो आपने ड्राइव करना, ये आपके पास रूल है। तो इसके रूल्स के मेंबरशिप फंक्शन हम देखते हैं क्या है, यानी इसमें हम देखते हैं, अब हम मैपिंग करेंगे, टेम्परेचर हमारा कितना था, टेम्परेचर हमारा था कितना, हमारा टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर 65, तो 65 पे देखें ये कितने परसेंट आता है, ये 0.2 20% है, तकरीबन 20% ये हो रहा है, यानी आप कह लें कि इसको अगर हम देखते हैं, अच्छा ये कूल, और कूल आपका 40% जो है इसमें इसको कर रहे हैं काउंट, ये थोड़ी सी इसमें इम्प्रिसियन है इसकी कैलकुलेशंस में, अगर आप इसको सॉफ्टवेयर से करेंगे तो ये एग्जैक्ट निकल आएगी। और वॉर्म कितना है, 70%, यानी इसको 70% कह रहे हैं वॉर्म को, और ये 40% जो है वो कूल बांध रहा है आपका, कौन, 65 फॉरन हाइट। अच्छा, और क्लाउडी में कितना है, 25% है, तो वो ये आपका तकरीबन 20% क्लाउडी है। ठीक है, और 80% आपका क्या है, सनी, यानी 80% सनी और 20% क्लाउडी। ठीक है, ये आपकी होगी मैपिंग। अच्छा, अब आपका कैलकुलेशन रूल की क्या है, अप्लाई फजी एंड कंडक्शन एंड कंजंक्शन, ठीक है ना, एंड का रूल है। अब इसमें आप देखें रूल आपको क्या देंगे, इफ़ इट्स सनी एंड वार्म, सनी एंड वार्म, इसका क्या मतलब है कि आप इसमें एंड गेट यूज़ करेंगे, इफ़ इट इज़ क्लाउडी एंड कूल, इसमें भी आप एंड गेट यूज़ करेंगे, यानी मिनिमम आप सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम, अगर और लिखा होता ना तो मैक्सिमम हमने सेलेक्ट करना था, तो इसमें हम मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ़ ए एंड बी इज़ मिनिमम ए बी, इफ़ इट सनी एंड वार्म ड्राइव फास्ट, ठीक है, तो सनी कितना था, 0.8, और वार्म कितना है, 0.7, ये हम देखते हैं कि सनी कितना है, 0.8, और वार्म कितना है, 0.7, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, वार्म वाला। ठीक है, तो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा, 0.7, यानी फास्ट आपने कितना चलना है, 0.7 फास्ट आपने चलना है। इफ़ इट इज़ क्लाउडी एंड कूल ड्राइव स्लो, ठीक है ना, अब स्लो वाला ये भी दो मेंबरशिप इसके आगे आ जाएंगे फंक्शंस, तो स्लो में क्या होगा, क्लाउडी एंड कूल, क्लाउडी कितने परसेंट है, 0.2, और कूल कितना है, 0.4। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन सा है, 0.2, तो स्लो कितना आ जाएगा, 0.2, यानी अब हमारी स्पीड जो होगी ना वो 70% फास्ट होगी और 20% स्लो होगी। ठीक है, अब ये इसका मेंबरशिप फंक्शन है, इसमें अब देखते हैं स्लो की स्पीड है 25 से कम है तो वो 1 है, और 25 से 75 में वो 0 हो जाती है, इसी तरीके से फास्ट यहाँ से। अब कितने हैं, 20% स्लो, स्लो कितने हैं, 20% स्लो, ठीक है, और फास्ट कितनी है आपकी, 70% फास्ट है, तो हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, देखें ये 20% स्लो, ठीक है, स्लो कितनी आ रही है आपकी, 20%, और फास्ट कितनी आ रही है आपकी, 70%, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारी आरपीएम बनते हैं, स्लो पे हमारे आरपीएम जो हैं वो कितने हमारे, इसमें इसमें हम देखते हैं, यानी 1 का 20%, ठीक है, यानी 25 है ना लिमिट इसकी, 25 इसकी स्पीड लिमिट है, तो 25 × 20%, यानी 25 × 0.2, और ये कितनी है फास्ट, 75 है इसकी ये जो हाइट है, तो 75 × 0.7, यानी 75 का 70% और स्लो का 20%। ठीक है, और 20 इंटू 25 प्लस 70 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 90, यानी इन वेट्स का सम
यानी 70 प्लस 20, 70% थे ना, 20% 0.2 और 70% दोनों का सम 90, तो ये आपका बन गया 63.8। तो आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी, अब 63.8 माइल्स पर आवर आपकी व्हीकल की स्पीड आएगी। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फजी कंट्रोल सिस्टम। उसको समझने के लिए एक प्रिलिमिनरी एग्जाम्पल है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन्स वगैरह के अंदर जो है इसमें इसको इस्तेमाल किया गया है। और उसके जो है फिर आगे मेंबरशिप फंक्शन आप बना सकते हैं, क्वांटिटी स्मॉल मीडियम लार्ज, सॉफ्टनेस सॉफ्ट नॉर्मल सॉफ्ट नॉर्मल हार्ड हार्ड, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसमें रूल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस इसकी क्या है कि फजी सिस्टम्स लैक द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन लर्निंग एज वेल एज न्यूरल नेटवर्क टाइप पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अ फजी नॉलेज बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्स एक्सटेंसिव टेस्टिंग विद द हार्डवेयर। डिटर्मनिंग एग्जैक्ट फजी रूल्स एंड मेंबरशिप फंक्शंस इज अ हार्ड टास्क, कि आपने कौन सा मेंबरशिप फंक्शन लगाना है। स्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर फजी कंट्रोल। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस इसका हमें करके उसको प्रूव करना होगा। फजी लॉजिक प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट लिंग्विस्टिक एंड सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ रियल वर्ल्ड इन कंप्यूटिंग। इट इज एबल टू बी अप्लाइड टू कंट्रोल सिस्टम्स एंड अदर एप्लीकेशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे ये हम इंटेलिजेंट कंट्रोल पढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंट कंट्रोल के अंदर हमारे पहले फजी आ गए, अब फजी के बाद आ जाएगा हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN। ठीक है। और फिर नेक्स्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन, तो अभी हम देखेंगे इसको, हम इसका जो है वो अभी इसको देखते हैं। न्यूरल इज एन एडजेक्टिव फॉर न्यूरॉन एंड नेटवर्क डिनोट्स अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर ऑल्सो रेफर टू एज न्यूरल नेट्स, आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम्स, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम्स, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कनेक्शनिस्ट सिस्टम्स। ठीक है। फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम्स टू बी कॉल्ड बाई दीज प्रिटी नेम्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू हैव अ लेबल्ड डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रक्चर वेयर द नोड्स परफॉर्म सम सिंपल कंप्यूटेशंस। ये हम आगे देखते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोड्स, यानी हमारे पास नोड्स होंगे, अ सेट ऑफ कनेक्शंस, उनमें कनेक्शंस होंगे। ठीक है। अ ग्राफ इज सेट टू बी लेबल्ड ग्राफ इफ ईच कनेक्शन इज एन एसोसिएट विद एन लेबल टू आइडेंटिफाई सम प्रॉपर्टी ऑफ द कनेक्शन, यानी इनपुट आउटपुट उस पर डिफाइन हो। अब जैसे जो मेजर फर्क है समझने का ANN को, वो ये है कि आपके सामने अब दो तस्वीरें हैं, एक एंड गेट की पिक्चर है, दूसरा आगे भी एंड गेट है। पहले लेफ्ट वाला एंड गेट देखें आप, फिगर 1। फिगर 1 में देखेंगे X1 है और X2 है, फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी आउटपुट आ जाती है X1 एंड X2। ठीक है। अच्छा, तो दिस ग्राफ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ न्यूरल नेटवर्क सिंस द कनेक्शंस बिटवीन द नोड्स आर फिक्स्ड। अब इसमें कनेक्शन जो है उसका वेट क्या है, 1। इसका वेट भी 1 है, इसका वेट भी 1 है, और इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, तो ये आपका न्यूरल नेटवर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है। एंड अपीयर टू प्ले नो अदर रोल देन कैरिंग द इनपुट्स टू द नोड दैट द कंप्यूटिंग कंप्यूटेड देयर कंजंक्शन। अच्छा, इसके मुकाबले में फिगर 2 देखें। फिगर 2 में क्या है, द ग्राफ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द वेट्स मॉडिफिएबल यूजिंग अ लर्निंग एल्गोरिदम क्वालिफाइज द कंप्यूटिंग सिस्टम टू बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी जो राइट साइड पे इसको हम ANN कह सकते हैं, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, यानी X1 X2 W1 W2। ठीक है। तो आपके आउटपुट क्या होगी, W1 X1 प्लस W2 X2। तो ये W1 W2 आप यूँ समझने के कंट्रोलर की गेन्स है जिसको आपने ट्यून करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर न्यूरल नेटवर्क। द फील्ड ऑफ न्यूरल नेटवर्क वॉज पायनियर्ड बाई बर्नार्ड विट्रो ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1950s। बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल क्या होता है, ये आपके जिस्म के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं आपके माइंड को, और माइंड से आगे सिग्नल आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जाता है, वो सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क है, उसकी इमिटेशन है ये जो आर्टिफिशियल, जिसको हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इट इज़ द इमिटेशन ऑफ योर नेचुरल न्यूरल नेटवर्क। फोर पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल न्यूरल नर्व सेल इज डेंड्राइट्स। इट एक्सेप्ट्स द इनपुट्स, ठीक है, सोमा। इट प्रोसेस द इनपुट्स, एग्जॉन। टर्न्स द प्रोसेस इनपुट इन टू आउटपुट्स, सिनेप्सिस, द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूरॉन्स। यानी जैसे कंट्रोलर काम करता है, एनालॉग पहले कंट्रोल सिस्टम को मिली इनपुट, आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगी, डिजिटल पे फिर कंट्रोलर को जाएगी, फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगी, एनालॉग के बाद फिर आगे फर्दर प्रोसेस को चली जाएगी। ये वही प्रोसेस है उसी तरह का। आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल क्या होगा कि इनपुट्स टू द नेटवर्क आर रिप्रेजेंटेड बाई मैथमेटिकल सिंबल X(n). ईच ऑफ दीज इनपुट्स आर मल्टीप्लाइड बाई कनेक्शन वेट। ठीक है। सम इज इक्वल टू W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W, यानी वेट्स, जहाँ पे वेट आ जाएंगे ना W1 W, वो आपका ANN है।
दीज प्रोडक्ट्स आर सिंपली समड एंड फेड थ्रू द ट्रांसफर फंक्शन टू जनरेट अ रिजल्ट एंड आउटपुट। यानी आपकी जो इनपुट आई, वेट्स को अप्लाई हुई, फिर आगे आपके ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक को चली गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि वो जो आउटपुट जनरेट होगी वो कंपेयर होगी सेट पॉइंट के साथ, और उसमें फिर जो भी डिफरेंस होगा उसकी बेसिस पे फीडबैक से आपकी जो जो W1, W2, WN है, ये सारे के सारे अपडेट होंगे। यानी ये इस तरह से ट्यून होंगे, इसी को हम कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे थे, जो W1, W2, W3 और WN है, इसको हम एडजस्टमेंट इसके कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, न्यूरॉन आपका नोड, यूनिट, सेल, न्यूरोड, साइनैप्स, कनेक्शन, एज, लिंक, साइनैप्टिक एफिशिएंसी, कनेक्शन स्ट्रेंथ, वेट, फायरिंग फ्रीक्वेंसी, नोड आउटपुट। आर्टिफिशियल न्यूरल नेट एनएनएस आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय ट्राइंग टू मिमिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन सिमुलेटेड न्यूरॉन्स विच आर जॉइंट टुगेदर इन अ वराइटी ऑफ वेज टू फॉर्म नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क रिजेंबल्स द ह्यूमन ब्रेन इन द फॉलोइंग टू वेज। अ न्यूरल नेटवर्क एक्वायर्स नॉलेज थ्रू लर्निंग। अ न्यूरल नेटवर्क्स नॉलेज इज स्टोर्ड विद इन द इंटर कनेक्शन स्ट्रैंड्स नोन एज साइनैप्टिक वेट। यानी वेट की फॉर्म में उसमें मॉडिफिकेशन हो रही होती हैं। तो जैसे हम सीखते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं सीखने के। एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, कि हमें कोई टीचर सिखाता है, ठीक है, वो उसको हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग। दूसरा हमारे लर्निंग होती है हमारे एक्सपीरियंस है, कि हम तजुर्बा करके खुद सीखते हैं, ठीक है, वो है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें क्लस्टरिंग आपकी आ जाती है। क्लस्टर्स आप जो है वो बनाते हैं, एक सेल, एक क्लस्टर बना देते हैं ग्रुप ऑफ सम पॉपुलेशन, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जिस तरह की क्लस्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसकी बेसिस पे हम अपनी लर्निंग जो है वो मॉडल की करवा देते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का हम देखने के, इनपुट लेयर होगी हमारी, इनपुट लेयर में हमारे इनपुट्स आएंगे, उसके बाद वो हिडन लेयर में चली जाएंगी, जिसमें वो वेट्स आपके लगे हुए हैं जो कि बाद में ट्यून होंगे, और उनके अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट जनरेट होगी। देखिए, इनपुट गई न्यूरल नेटवर्क को, उससे आउटपुट जनरेट हुई, वो आउटपुट कंपेयर होगी डिजायर्ड वैल्यू से, और अगर एरर होगा उन दोनों में तो फिर क्या होगा, आपके जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हिडन लेयर के जो वेट्स हैं वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक प्रोपेगेशन, क्या बोलते हैं इसको, बैक बैक प्रोपेगेशन। न्यूरॉन्स इज एन एनिमल्स ब्रेन आर हार्ड वायर्ड। इट इज इक्वली ऑब्वियस दैट एनिमल्स, स्पेशली हायर ऑर्डर एनिमल्स, लर्न एज दे ग्रो। हाउ डू दिस लर्निंग अकर? व्हाट आर द पॉसिबल मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ लर्निंग? इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, लर्निंग रेफर्स टू द मैथड ऑफ मॉडिफाइंग द वेट्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन द नोड्स ऑफ अ स्पेसिफाइड नेटवर्क। द लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क इज डिटर्मंड बाई द आर्किटेक्ट बाई इट्स आर्किटेक्चर एंड बाई द एल्गोरिदम मैथड चूजन फॉर ट्रेनिंग। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग, अ टीचर इज अवेलेबल टू इंडिकेट वेदर अ सिस्टम इज परफॉर्मिंग करेक्टली और टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एरर इन द सिस्टम परफॉर्मेंस। हेयर अ टीचर इज सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। द ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इनपुट एंड डिजायर्ड। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जब सुपरवाइज लर्निंग होगी, जो आप ट्रेन करोगे, आप इनपुट भी दे दोगे अपने मॉडल को और आउटपुट भी दे दोगे। इसके मुताबिक क्या करेगा कि वो अपनी वेट्स को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, यानी इनपुट भी बता दी, आउटपुट भी बता दी, इसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर आप इसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग और वैलिडेशन करेंगे इसको खुद से, फिर एक और डिफरेंट इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि जो ये आउटपुट निकाल रहा है क्या ये सही निकाल रहा है। उसका फिर आप एरर ले सकते हैं, मीन्स के एरर ले सकते हैं, इंटेग्रल्स के एरर ले सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप इसकी फर्दर जो है वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं। द ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट वैल्यूज दैट आर ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड इन डेटा वेक्टर्स। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में एक और चीज़ जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये होता है कि इसमें आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है एज सच, इसमें आपको जस्ट इनपुट और आउटपुट डेटा देना है। तो ये डेटा ड्रिवन मॉडलिंग है, दिस इज़ योर डेटा ड्रिवन मॉडलिंग। जबकि इसके मुकाबले में जो कन्वेंशनल मॉडलिंग है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस लगानी पड़ती हैं, आपको पूरा मॉडल बनाना पड़ता है, उसमें फिर अजम्पशंस आ जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो वो मॉडल एक लिमिटेड रेंज में काम करता है, ठीक है, तो उसके बहुत सारी मतलब ड्रॉबैक्स हैं। उसके मुकाबले में ये क्या टेक्निक है, इसमें जस्ट आपने इनपुट आउटपुट डेटा दे दिया और मॉडल को ट्रेन करवा दिया आपने। अब जिस तरह का भी मॉडल होगा, लीनियर होगा, हाईली नॉन लीनियर होगा, वो सारे के सारा इसको ये उसके मुताबिक ट्रेन हो जाएगा। यानी ये हाईली नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ड्रॉबैक इसका ये कि चूंकि इसमें ये वेट्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये काफ़ी होता है। यानी इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इसकी टाइम कंजम्पशन। वो अगर आपके सिस्टम में, जैसे अगर आप इसको एक्टिव फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो टाइम
लेस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अगर आपने पैसिव भी साथ लगाए हुए तो आपके लिए टाइम जो है वो थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पैसिव उसको देख रहा होगा। तो वहाँ पे आप एक्टिव में इस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर पोस्ट फॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, द ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट वैल्यूज दैट आर ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड इन डेटा वेक्टर्स। सुपरवाइज लर्निंग कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज क्लासिफिकेशन वेयर वी हैव अ वाइडर रेंज ऑफ क्लासीफायर्स। अच्छा, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। इन दिस अप्रोच नो सैम्पल आउटपुट्स आर प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क अगेंस्ट विच इट कैन मेयर इट्स प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस फॉर अ गिवन वेक्टर ऑफ इनपुट्स। वन कॉमन फॉर्म ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इज क्लस्टरिंग वेयर वी ट्राई टू कैटेगराइज द डेटा इन डिफरेंट क्लस्टर्स बाय देयर सिमिलैरिटी। अच्छा, फिर आती है बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन वही फीडबैक कंट्रोल में आते हैं। द बैक प्रोपेगेशन जो है रुमल हार्ट एंड मैकक्लेलैंड इन 1986 इज यूज इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बैक प्रोपेगेशन इज अ मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड सुपरवाइज लर्निंग नेटवर्क बेस्ड ऑन ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल। ये हम ऑप्टिमल कंट्रोल के टॉपिक कुछ करेंगे कोर्स के, जल्दी हम करेंगे ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग मेथड, के ग्रेडियंट डिसेंट एक रूल होता है जिसमें आप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो है वो अपनी करेक्शन करते हैं। अच्छा, वी प्रोवाइड द एल्गोरिदम विद द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स वी वॉन्ट द नेटवर्क टू कम्प्यूट एंड देन द एरर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज कैलकुलेटेड। द आइडिया ऑफ द बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम इज टू रिड्यूस दिस एरर अनटिल द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, बैक प्रोपेगेशन क्या है कि वो उस एरर को रिड्यूस कर, यानी फीडबैक कंट्रोल जिसमें SP-SPV होता है और उसको आप कहते हैं कि एरर अप्रोच टू जीरो करवाना होता है आपने, इसी तरीके से इसमें भी आपने एरर को जीरो करवाना है। और उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप वेट्स को एडजस्ट करोगे यानी ट्यूनिंग करोगे, यानी ये फीडबैक बेस्ड ट्यूनिंग ऑफ द वेट्स, मैं इसको अगर डिफाइन करूँ फीडबैक बेस्ड ट्यूनिंग ऑफ द वेट्स। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन लाइक थिंकिंग, दे हैंडल नॉइजी और मिसिंग डेटा, दे कैन वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, दे प्रोवाइड जनरल सोल्यूशंस विद गुड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, सिस्टम्स हैज गॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, दे डील विद द नॉन लिनियरिटी इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। तो नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम में आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ टाइम डिले आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा ना हो, यानी प्रोसेसिंग टाइम आपके लिए अगर ज़्यादा हो कंट्रोल सिस्टम को तो आपके लिए टॉलरेबल हो वो। अच्छा, न्यूरो फजी सिस्टम्स NFS, ये इन दोनों का मिक्सचर है, कैस्केड में इसको हम यूज़ करेंगे सीरीज़ के अंदर, यानी आप पहले न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके आगे फजी लगा दें या पहले फजी लगा के आगे न्यूरल नेटवर्क बेस्ड आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यूरो फजी सिस्टम इज इक्वल टू न्यूरल प्लस फजी सिस्टम, अ फॉर्म ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद द अप्रोक्सीमेट रीजनिंग क्रिएटेड टू मॉडल ह्यूमन रीजनिंग, यूजेस वेरिएबल्स विद ट्रूथ वैल्यू 0 एंड 1, यानी इसमें फजी की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और न्यूरल वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। एवरी थिंग इज अ मैटर ऑफ डिग्री, नॉलेज इज इंटरप्रेटेड एज अ कलेक्शन ऑफ फजी कंस्ट्रेंट्स ऑन अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, इन्फ्लुएंस इज व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स, एनी लॉजिक कैन बी फजीफाइड। अच्छा, सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ब्रेन लाइक सिस्टम्स फंक्शन न्यूरल नेटवर्क, क्या होता है कि सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ब्रेन लाइक सिस्टम से हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस लाइक अ मैसिवली पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क, इट इज़ नॉट प्रोग्राम्ड बट ट्रेन, यानी इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होगी इसकी ट्रेनिंग होगी। न्यूरल नेटवर्क्स ये अभी हम देख चुके हैं कि इनपुट्स हमने दी, उसके बाद हिडन लेयर को गई और फिर उसके बाद आउटपुट जनरेट हुई और आउटपुट आई, उससे क्या होगा कि आपकी जो लिंक्स के वेट्स हैं एजेस के वेट्स हैं ये मॉडिफाई होंगे बैक प्रोपेगेशन के थ्रू। न्यूरल फजी क्या होगा कि दीज वर क्रिएटेड टू सॉल्व द ट्रेड ऑफ बिटवीन द मैपिंग प्रिसीजन एंड ऑटोमेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, द इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ द फजी सिस्टम। तो फजी सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं जो उसके पास आपके पास मल्टी लेवल आ जाते हैं, ठीक है, वो आपने यूज़ कर लिया, और न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग की प्रॉपर्टी है आपने वो यूज़ कर ली, इन दोनों को मिला के आपने NFS बना लिया, न्यूरो फजी सिस्टम्स। इट कम्बाइंस बोथ सच दैट फजी सिस्टम गिव्स इनपुट टू द न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क गिव्स इनपुट टू द फजी सिस्टम। अब दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और सीरीज में आप इस्तेमाल करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फजी न्यूरल मॉडल्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइनैप्टिक कनेक्शन मॉडल्स विच इनकॉर्पोरेट फजीनेस इनटू न्यूरल नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग वेट्स, यानी नीचे वाला न्यूरल पार्ट आ गया, ऊपर वाला फजी पार्ट आ गया। तो मॉडल्स में क्या है, फजी सिस्टम इनपुट दे रहा है, पहले फजी आ गया, फजी के बाद न्यूरल लगा दिया। दूसरा मॉडल क्या है, पहले न्यूरल लगाएं और फिर फजी लगाएं, ठीक है, ये इसकी फर्दर डेप्थ है कि जो है अगेन
दिस लेक्चर गिव्स यू द आइडिया ऑफ फजी कंट्रोल सिस्टम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और एंड न्यूरो फजी सिस्टम्स। इनके फर्दर डेप्थ में आपको जो है फर्दर काम जब आप करेंगे इसके ऊपर मैटलैब के अंदर, तो आप इसकी फर्दर डेप्थ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इस कोर्स के अंदर हम जो है इसको इसका इंट्रोडक्शन और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन्वॉल्व है, मतलब कोर्स यहाँ तक लिमिटेड है। इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम्स का एक अलग कोर्स है जो कि आगे हम ऑफर कर सकते हैं, जिसके अंदर इनको डेप्थ के साथ, हम एग्जांपल्स के साथ डेप्थ के साथ जो है हर टेक्निक को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, फजी लिंग्विस्टिक स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब ये हम देखते हैं जब फजी सिस्टम जो है, पहले फजी यूज़ किया बाद में न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया, इसमें क्या होगा कि लिंग्विस्टिक स्टेटमेंट पहले जाएंगी, वो फजी इंटरफेस पे जाएंगी, फिर परसेप्शन एज न्यूरल इनपुट्स में चेंज हो जाएंगी और फिर न्यूरल नेटवर्क आ जाएगा, फिर डिसीजन होगा और न्यूरल आउटपुट जो है बैक प्रोपिगेशन के थ्रू उसकी लर्निंग कराएगी आपकी न्यूरल नेटवर्क की। तो ये आपका फजी टू न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या है, न्यूरल टू फजी मॉडल। तो उसमें क्या होगा, न्यूरल इनपुट्स होंगी, न्यूरल नेटवर्क होगा, न्यूरल आउटपुट निकलेगी, फजी इन्फ्रेंस पे जाएगा, फजीफिकेशन होगी, फिर डी फजीफिकेशन होगी, डीसीएन होगा, लर्निंग एल्गोरिदम को जाएगा बैक प्रोपिगेशन के थ्रू और न्यूरल नेटवर्क की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके ये दो तरह के मॉडल लिटरेचर में जो मेंशन है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, न्यूरो फजी और न्यूरो फजी सिस्टम ये कहलाता है। इसमें पहले आप फजी यूज़ करके फिर न्यूरल को दे दें इन आउटपुट जो कि न्यूरल की इनपुट बन जाएगी। दूसरे मॉडल में आप इनपुट जो है आपकी एक्सटर्नल वो न्यूरल को दें, न्यूरल आगे फजी को दें और देन यू गेट दी आउटपुट। अच्छा, तो मेजरिंग एप्लीकेशंस क्या है न्यूरो फजी सिस्टम्स की, मेजरिंग दी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर इन वॉशिंग मशीन जापान के अंदर, इम्प्रूविंग द रेटिंग ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एडजस्टिंग एक्सपोजर एंड फोटोकॉपी मशीन्स, इलेक्ट्रिक फैन दैट रोटेट्स टूवर्ड्स द यूज़र। ये इसके एप्लीकेशन हैं कुछ। तो आज के लेक्चर में हम जो है ये इंटेलिजेंट कंट्रोल का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम फर्दर एडवांस टॉपिक्स जिसमें स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल, और इसके अलावा ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हम उनकी जो है उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इस वीक के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।